हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल एब्सोल्युटली फाइन। हम निकल रहे हैं अब यहाँ से अम्बाला के लिए। सो आज की राइड शुरू होने वाली है। बाइक्स ऑलमोस्ट रेडी है, मेरी बाइक तो फुली लोडेड है, बस जैकेट पहनना है, हेलमेट लगाना है और निकलना है। सो मैंने ये वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ हम जिस होटल में रुके थे वो दिखाने के लिए। सो पहले आपको होटल दिखा देता हूँ, फिर मैनेजर से मिला देता हूँ। मेरे नाम से आओगे, डेविल्स एडवेंचर का नाम लोगे तो डेफिनेटली डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। और ताजमहल से नियरली 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर भी प्रॉपर नहीं है, आप यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे जाओगे वहाँ से आप लोगों को 10 रुपये में मिलती है एक गोल्फ कार्ट, जिसकी मदद से वो आपको ताजमहल के मेन एंट्रेंस तक छोड़ देते हैं। और फिर वहाँ से आप कोई भी गाइड ले लो या खुद जाना चाहता है खुद चले जाओ, रिटर्न में 10 रुपये फिर लगेंगे वहाँ तक आ जाओ। और वहाँ से फिर मुश्किल से 400-500 मीटर चलना पड़ता है पैदल और होटल मिल जाता है आपको। और फूड वूड भी अच्छा है तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मैं होटल दिखा देता हूँ आपको। ताज क्लासिक 62646 नंबर है ओयो पे इसका। सो ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर, पूरी अच्छा है, रूम्स भी अच्छे साफ थे, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। ये मैनेजर भैया हैं, भैया आपका नाम अनिल कुमार सर। तो अनिल कुमार सर को आप आके अगर बोलोगे कि डेविल्स एडवेंचर के थ्रू आए हो आप लोग और आगरा के पास में रुके हो तो डेफिनेटली ही विल गिव यू द बेस्ट प्राइस जो पॉसिबल होंगे, है ना? इतना तो मिलेगा ना सर? जरूर। हाँ तो ठीक है, तो अच्छा होटल है, अच्छी सर्विस है, इसलिए आई एम रिकमेंडिंग यू टू प्लीज स्टे एट वंस और एक्सपीरियंस कर लो कैसा लगता है। तो चलिए फिर मिलता हूँ आगे मैं आप लोगों से, बाइक के ऊपर निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, काफ़ी लेट हो गए हम लोग ऑलरेडी। चलो सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल लिए हैं आगरा। अब यहाँ से देख सकते हो ताजमहल 1 किलोमीटर है खाली, हम यहीं रुके थे तो काफी पास में था। तो कैश निकाल लेते हैं यार, यहाँ एटीएम मिल गया, सो पेट्रोल पंप भी मिल गया है, फ्यूल भी टॉप अप करा लेते हैं पूरा। ये टैंक फुल कर देना। This is my first time riding bike on an expressway. Okay, इससे पहले गाड़ी चलाई है मैंने, कार चलाई है एक्सप्रेस वे पे, लेकिन ये पहली बार है कि मैं बाइक राइड कर रहा हूँ एक एक्सप्रेस वे पे। और मजा आ रही है, रोड एकदम मक्खन है यार। अभी तो प्रॉपर एक्सप्रेस वे क्यों नहीं हुआ, ये आउटर रिंग रोड है, रिंग रोड। तो दिस इज प्रॉपर एक्सप्रेस वे, स्पीड लिमिट 90-95 है, वी आर क्रूजिंग राइट नाउ एट 80-90 और बहुत शानदार रोड है। अभी हम लोग आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे के लगभग बीच में। हमको आगरा से निकले हुए हो गया है नियरली 1.5 घंटा और काफ़ी अच्छा रोड है, मज़ा आ रही है। बस थोड़ी गर्मी ज़्यादा है यार, धूप बहुत तेज़ है तो वो प्रॉब्लम हो रही है। मैं यही इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर यही राइड मैं मई में करूँगा तो पता नहीं क्या हालत होने वाली है उस वक्त, जब भी नेक्स्ट टाइम करूँगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम प्रोबेबली प्लान कर रहा हूँ कि मैं मई में जाऊँगा। सो अभी मेरे साथ यहाँ पे एक नया राइडर जुड़ चुका है और ही इज़ अक्षित, ये खड़े हैं जो कि राइड कर रहे हैं, मेरे पीछे खड़ी है जावा 42 और 2 राइडर्स और हैं जो मुझे जालंधर से ज्वाइन करने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिए रुके थे, टी ब्रेक कह लो, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मेरे को, तो थोड़े थोड़े देर में कुछ सही रहता है। सो एक छोटे से टी ब्रेक लिए रुके हैं हम लोग, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अप टू नोएडा और नोएडा से फिर हमें यहाँ से स्विच करना है टू ईस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रेस वे जो हमें दिल्ली से बाहर ले जाएगा, एंड देन वी विल हेड टूवर्ड्स अम्बाला। बीच में एक लंच ब्रेक लिए रुकेंगे, लंच थोड़ा लेट होगा, क्या करें। तो चलिए अभी करते हैं पहले एक क्विक छोटा सा ब्रेकफास्ट, फिर कंटिन्यू करते हैं राइड आगे। सो फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड नोएडा, अभी हम लोग नोएडा में हैं और यहाँ से हमने कनेक्टिंग डाली है ईस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रेस वे की। सो हेडिंग टूवर्ड्स देयर कि हम लोग जाके फिर आगे कनेक्ट हो पाए हमारे अगले रूट के लिए, क्योंकि वो हमें क्या दिल्ली के बाहर ले जाएगा, और अगर हम अभी जो मैप दिखा रहा है उससे जाएं तो वो हमें दिल्ली के अंदर ले जाता है। तो इट इज क्वाइट सो
देखो फ्रेंड्स, गूगल हमें कैसे रास्तों पे ले आया है। गूगल माता की जय। हमें जाना है ईस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रेसवे पे, और ये हमें देखो कहाँ से निकाल रहा है, गांवों में से, खेतों में से, गलियों में से। तो फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत और मशक्कत के बाद हम फिर से कनेक्ट होते हैं ईस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रेसवे पे, और ये हमें सीधे लेके जाएगा पानीपत तक। पानीपत के आगे फिर हमको नॉर्मल नेशनल हाईवे पे आना पड़ेगा। तो चल रहे हैं, कंटिन्यू, देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ से 70 किलोमीटर तक तो कोई स्टॉपेज नहीं लेना, कंटिन्यू 70 किलोमीटर तक राइड करना है, उसके बाद फिर हम स्टॉप लेंगे नेक्स्ट। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे आगे, तब तक एंजॉय करो इस व्यू को। भीड़ है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी हो सकता है क्लियर ना आए। और अभी हमको यहाँ से अम्बाला पहुँचने में 1.5 घंटे का रास्ता और ट्रैवल करना है, 150 किलोमीटर। तो देखते हैं, अभी पहले फर्स्ट वी विल हैव सम फूड एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आगे जाए या थोड़ा बहुत आगे बढ़ के कुरुक्षेत्र या करनाल के आसपास कहीं पर स्टे ले लें। तो मिलता हूँ आप लोगों से आगे चल के। टिल देन क्या बोलूँगा, सेफ रहो बस, और क्या बोलूँगा। अभी बाइक में मिलता हूँ, डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये डिसाइड हुआ है कि हम अभी थोड़ी देर तक राइड करेंगे रात में, कंटिन्यू अप टू लुधियाना। राइट नाउ वी आर एट अम्बाला। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर और चलना है, तो आई थिंक कि 1.5 घंटे में हम वो कवर कर लेंगे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। और अभी बज रही है रात के 12। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम उधमपुर रात में पहुंचे, तो इस वजह से बस खाली की ये रोड सर्विस सही है, चलता रहता है नेशनल हाईवे, तो लुधियाना तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे फिर हम लोग जब कवर करेंगे कल मॉर्निंग में तो दिक्कत नहीं होगी। प्लस क्या है, जो साथ में राइडर्स हैं, एक की बाइक के ब्रेक पैड में काम करवाना है और दूसरे की बाइक जो है उसके हेडलाइट में, तो ये दो काम जो हैं और करवाने पड़ेंगे, तो उसमें भी टाइम जाएगा हमारा थोड़ा। दैट्स व्हाई वी आर कंटिन्यूइंग अवर जर्नी टूवर्ड्स लुधियाना। तो चलो आपको थोड़ा सा नाइट एक्सपीरियंस भी करा दें। अब देख रहे हो ना कि क्या क्या करना पड़ता है राइड्स पे, एवरीथिंग इज अनप्रिडिक्टेबल। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कोई भी राइडर को कि जब भी किसी राइड पे जाओ कुछ सेट करके मत जाओ यार, परेशानी होगी और कुछ नहीं। इस वक्त हैं हम लोग जस्ट नियर ताजमहल, और पीछे